सुप्रभात मान्यवर, एक नए दिन की शुरुआत और नए दिन की शुरुआत के साथ में एक नई जर्नी की शुरुआत। फिलहाल बोरोन को लग गया है, बोरोन दरअसल इनका कुत्ता है, तो उसको लग गया कि ये सब लोग कहीं जा रहे हैं तो भौंकना शुरू कर देता है। और बोरोन को मेरे साथ में फुटबॉल खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो फिलहाल ये मुझे घुमाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं ये आप समझ सकते हैं। तो आज तानिया, मैं और सरगी, हम तीनों कहीं जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे। तो आइए फिर चलते हैं। ये है जी इनकी मशीन, रशिया में कार को बोलते हैं मशीन। आइए फिर चलते हैं, मशीन में बैठते हैं। दरअसल अभी हमारी जो गाड़ी है ये यहाँ पे है, और ये जो बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा है ये है यूक्रेन बॉर्डर। दरअसल इनका जो ये घर है, यहाँ पे गांव है, ये बिल्कुल बॉर्डर के पास में है। और अब तो हम बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं, तो आज हमारा प्लान था कि उस बॉर्डर के साथ साथ में चलें। फॉरेस्ट। अब ये गाड़ी हमारी इधर को चल पड़ी है और ये है बॉर्डर। तो ये कह रहे हैं कि वो जो सामने फॉरेस्ट है ये सारे के सारे यूक्रेन में है। ये उधर को यूक्रेन है और ये रशिया, एकदम बिल्कुल बॉर्डर के साथ में आ गए हैं। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ एक खेत है और इस खेत के बाद ये यूक्रेन है, यानी कि मेरे साइड में जो खेत है यहाँ पे, ये खेत यहाँ पे ख़त्म होता है तो उसके बाद ही यूक्रेन बॉर्डर है। और फिलहाल गाड़ी चल रही है 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में टू वे लेन पे। चितिनोवका से एक लेक आ गई है यहाँ पे सामने। फिश ओके। слушай, это похоже на водохранилище вообще. लगभग
ये वाला जो रीजन है खास करके, अब ये मुझे नहीं पता कि पूरे रशिया में ऐसा ही है या अलग है, लेकिन हर गांव में मैंने झील ज़रूर देखी है। मैं इतने सारे गांव घूम गया हूँ यहाँ पे, लेकिन एक झील, और वो भी काफ़ी बड़ी सी साफ सुथरी झील हर जगह पे होगी, और वहाँ पे आपको जो बुज़ुर्ग अंकल वो आपको मछली पकड़ते हुए नज़र आएंगे। वो शायद से घर पे अगर बोर हो जाते हैं तो चलो भैया मछली पकड़ने चल लो, और वो पहुँच जाते हैं वहाँ पे मछली पकड़ने। जो दादियाँ हैं वो जाती हैं रोड पे फूल उगाने, कहीं कटाई करने, साफ़ सफाई करने, ऐसे ही अपने गांव के बाहर। तो ये बड़ा सही है। और एक भाई साहब वो सामने ट्रैक्टर पे खेत जोत रहे हैं, बड़ा सा खेत। और कितना बड़ा खेत जोता है उन्होंने आप देखिए सामने। चलते हुए आपको इतने छोटे छोटे गांव आपको मिल जाएंगे बहुत सारे। इस तरह के गांव छोटे छोटे आपको जब आप रास्ते में चलते हैं या किसी हाईवे पे चलते हैं, फिर बीच में बहुत सारे किलोमीटर बाद एक छोटा सा गांव आएगा, और सच में बड़े प्यारे हैं छोटे छोटे गांव। अच्छा, इनके जैसे हमारे भारत में है कि जो घर हैं वो अलग अलग हैं, वैसे घर यहाँ पे नहीं होते हैं। खास करके जैसे हमारे हिमाचल प्रदेश में है, पहाड़ी राज्य है, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं अपने खेत में कहीं पे भी घर बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ये ऐसा नहीं है। मतलब जो बस्ती होगी वो एक जगह पे सबकी होगी, फिर बाकी खेत होंगे, यानी कि एक ही जगह पे वो जो गाँव होगा ताकि वहाँ पे सारी सुविधाएँ दी जा सके, वो सब एक जगह पे होगा, और बाकी जो खेत हैं फिर उससे बाहर होंगे। खेत में किसी का घर नहीं होगा। खेतों में दूसरी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे पिक फार्म्स यहाँ पे बहुत सारे हैं रूस में, तो ये आपको हर जगह पे मिल जाएंगे। बहुत बड़े बड़े फार्म होते हैं, बहुत भयंकर, और क्योंकि इनको बस्तियों के आसपास किसी शहर के आसपास अलाउड नहीं होता है वो स्मेल की वजह से, तो ये क्या करते हैं बिल्कुल एकदम गाँव से दूर एकदम खेतों में, जिसको बोलते हैं एकदम जहाँ कोई ना जाए वहाँ पे ये फार्म्स होते हैं, तो वो आपको बड़े बड़े खेतों के बीच में सिर्फ वो आपको नज़र आएंगे। बाकी जो घर हैं वो सब एक जगह होंगे, बस्तियाँ सब एक जगह रहेंगी। जैसे कि सामने मेरे एक और बस्ती आ रही है अभी, ये देखेंगे सारे गांव घर एक ही जगह पे है। देखिए एक बड़ी सी बस्ती फिर से आ रही है, बस स्टैंड, दो लोग वेट कर रहे हैं यहाँ बस का।
लोग बता रहे हैं कि रूस में अब जो गांव बन रहे हैं वो नए गांव बन रहे हैं सारे, मॉडर्न गांव। तो ये अभी जो पीछे गया ये है, ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है, ये दरअसल ठीक वैसे ही है जैसे आप मान के चलिए कि हमारे यहाँ पे जो डेवलपर्स हैं वो आते हैं और कोई सोसाइटी या कोई बड़े प्रोजेक्ट वो शुरू करते हैं। यहाँ पे जो प्लॉट हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, ये आगे घर होता है, फिर बैकयार्ड में पीछे बहुत बड़ा स्पेस होता है जिसमें ये सब्जियाँ वगैरह भी उगा सकते हैं अपनी। तो उसके हिसाब से ये गांव जो है यहाँ पे बन रहे हैं। अब ये बहुत जगह पे मैंने देखा कि ये सारे घर नए कैसे हैं, तो फिर बताया गया कि ये नए गाँव जो हैं बसाए जा रहे हैं यहाँ पर। और अब जो गाँव बन रहे हैं रूस में वो एकदम जिसको बोलते हैं आधुनिक गाँव है, मतलब पूरी तरह से एकदम मॉडर्न विलेज आप बोल सकते हैं उसको। ये है जी आधुनिक रूस, जिसकी सच बात तो ये है कि रूसियों ने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि रूस सिर्फ 20 या 30 साल बाद ऐसा हो जाएगा। और सोचिए ये कोई बड़ा शहर नहीं है, ये एक यहाँ पे एक पार्क है बहुत बड़ा, ये मुझे दिखाना चाहते थे कि एक अलग सा पार्क, तो मैंने कहा चलो भैया देख लेते हैं। ये फॉरेस्ट है एक यहाँ पे, जैसे अपने यहाँ चीड़ होती है ठीक वैसा ही उसका कोई फॉरेस्ट है, और उस जंगल के बीच में फिर ये बनाया गया है, ये सारा तामझाम, रस्सियाँ लटकाई हुई हैं, छोटे छोटे हट्स बनाए हुए हैं, टॉयलेट्स है, फूड कोर्ट है, सब इस फॉरेस्ट के अंदर में है। और बड़ा खूबसूरत है, बच्चे यहाँ पे आके बहुत सारे वो स्केटिंग कर रहे हैं, कोई वो जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है उस पे जा रहे हैं। और यहाँ सामने है हमारे एक नदी, इसका नाम है सिवर्स की नदी, काफ़ी चौड़ी नदी है ये,
और लोग यहाँ पे आए हैं छुट्टियाँ मनाने के लिए। अच्छा, इन लोगों ने क्या किया है, एक चीज़ जो नई मैंने देखी है कि जो छोटी छोटी नदियाँ हैं या छोटे छोटे लेक्स हैं उनके घाट पे रेत डाली हुई है। हालांकि नदी की रेत नहीं है, साफ पता चल रहा है नदी की रेत नहीं है, लेकिन उसको लाके उसको एक बीच टाइप का बनाया हुआ ताकि लोग शायद से गर्मियों में आके इसका मज़ा ले सकते हैं। यहाँ पे लोग स्विमिंग बहुत पसंद करते हैं, यहाँ तक कि कई लोग स्विमिंग के लिए यहाँ से टर्की तक जाते हैं। और सदर्न रशिया में एक जगह है क्रास्नोदार, वो भी बहुत फेमस है गर्मियों के लिए, तो बहुत सारे लोग गर्मियों में वहाँ पर जाते हैं। हम लोग वहाँ से आए थे इस पुल के ऊपर से, वो देखिए एक यहाँ पे मछली दिख रही होगी आपको, बिल्कुल पास में आ गई है। ठाकुर पार्क, मजाक कर रहा हूँ। Without people. Yes, it's name village. Bezlyudovka. Bezlyudovka. मतलब बिना आदमियों का गांव। मुझे लगा था ये इतने दूर मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं, जंगलों से होते हुए, बहुत सारे गांव से होते हुए। दरअसल ये मुझे एक बहुत ही खूबसूरत झील दिखाने लेके आए हैं, वो है वहाँ पे। और सच में बहुत बड़ी झील है ये, वो एकदम वहाँ से लेके शुरू है ये और इधर एकदम लास्ट तक, और सच में बहुत खूबसूरत है। लोगों के साथ में घूमने का ये एक फ़ायदा रहता है कि आपको ऐसी ऐसी जगहें वो दिखाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपको कहाँ लेके जा रहे हैं। आप सोचिएगा, एक भारतीय होने के नाते मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर जो भारतीय लोग हैं वैसी जगह घूमे होंगे, कहीं गए होंगे बहुत सारे लोग एकदम इंटीरियर्स में, लेकिन जिन जगहों पर मैं हूँ या जिन जगहों पर मैं गया हूँ तो बहुत सारे लोगों ने तो इंडियन देखे भी नहीं थे कि कैसे होते हैं। ये मुझे लास्ट टाइम भी बहुत सारे लोगों ने बोला था कि हमने देखा ही नहीं है कि ब्राउन स्किन वाले जो लोग हैं वो कैसे होते हैं।